विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होकर हर जिले के स्ट्रॉक रूम में लॉक कर दी गई है। अब ये मशीनें आगामी 10 नवंबर को खोली जाएंगी, तब देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर पर ताज सस्ता है और किसको जनता ने नकारा है। मतगणना को लेकर किस तारीख की तरीके से तैयारियां ग्वालियर जिला निर्वाचन आयोग कर रहा है, इसी को लेकर डीएनएन ने खास बातचीत की उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी से। आइए देखिए रिपोर्ट। इस समय हम स्ट्रांग रूम में हैं, एमएलबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और कल के मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनें और वीपैट यहां पर जमा हो चुके हैं। जिला प्रशासन अभी भी यहां पर तैनात है, पुलिस की काफ़ी व्यवस्था यहां पर जुटाई गई हैं क्योंकि अब काउंटिंग का दिन आने वाला है, 10 तारीख को काउंटिंग होनी है। मेरे साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष तिवारी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी तक की जो व्यवस्थाएँ रही, अब आगे क्या व्यवस्थाएँ वो जुटा रहे हैं यहाँ पर काउंटिंग के लिए। जी सर, ठीक है। स्ट्रांग रूम कल रात में प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में सील कर दिए गए हैं, उसके बाद वहाँ पर अधिक सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। एक प्लाटून जो है वो सीआरपीएफ की लगी है इंटरनल कॉरिडोर में, उसके बाद फिर स्टेट एसएएफ और फिर लोकल पुलिस लगी हुई है। 3 लेयर सिक्योरिटी है, वीडियो कैमराज लगे हुए हैं, उन सबकी फीड हम लाइव कैंडिडेट्स को देंगे अभी सामने, ताकि वो लगातार देख सकें और फिजिकली वो मतलब हमारे स्ट्रांग रूम की डायरेक्ट विजिबिलिटी भी है फ्रंट से, तो वो देख सकते हैं दूर से बैठ के। अच्छा सर, अभी परसेंटेज कितना क्या रहा? परसेंटेज रहा है ग्वालियर 15 में 56.15, ग्वालियर पूर्व में है 48.14, डबरा 19 में 66.72। पहले जो मतगणना यहाँ होती रही हैं यही एमएलयू कॉलेज परिसर में ही होती रही हैं, अलग अलग विधानसभा बार ये मतगणनाएं होती थी, इस बार क्या नई व्यवस्थाएं और जुटाई जा रही हैं? मतगणना हमेशा विधानसभा बार ही है, अभी भी वही है, बस इस बार कोविड को देखते हुए आयोग के निर्देश हैं कि कम से कम 2 हॉल किए जाएंगे। तो ग्वालियर में आई एम टोल्ड कि यहाँ पे हमेशा से 2 हॉल में ही होती थी, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हर विधानसभा के लिए 2 हॉल हैं मतगणना के, उसके हिसाब से सब पर्याप्त व्यवस्था की गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। प्रत्याशी भी आएंगे, उनके जो एजेंट भी आएंगे वो भी निगाह रखेंगे पूरी तौर से, तो कोविड का कैसे आप पालन करवा पाएंगे? देखिए, एक हॉल में 7 टेबल लगाने का मतलब मकसद यही था कि लोगों को दूर से अलग अलग खड़ा किया जा सके। कैंडिडेट, उनके एजेंट और उनके जो गणना एजेंट आते हैं वो सब रहेंगे वहाँ पे, उनको सफिशियंटली आयोग के निर्देशों का पालन कराया जाएगा, भरपूर निगाह रहेगी प्रशासन की उस पर। कितने कर्मचारी इसमें मतगणना में आप शामिल करने वाले हैं? मतगणना में मेरा अनुमान है कि सब तरीके के कर्मचारी मिलाए जाएं तो 400 से 500 के बीच में निकलेंगे। अब एक्चुअल वर्कआउट हम अभी बैठ के करेंगे, हर टाइप का क्लास 3 क्लास 4 सब मिला के हमने लगभग 400 से 500 का कैलकुलेशन है हमारा, कितने लोग लगेंगे उस दिन। एक अनुमान लगाया जाए रिजल्ट का, तो कब तक आखिरी रिजल्ट निकलने की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा केवल 3 ही है तो रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, ईवीएम से जल्दी रिजल्ट आता है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, विधानसभा जब भी कम है, बट चूंकि सहायक मतदान केंद्र बढ़ गए हैं सभी विधानसभाओं में, इसलिए नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ गई हैं, तो नंबर ऑफ राउंड्स भी बढ़ गए हैं हमारे, तो नंबर ऑफ राउंड अभी लगभग 30 से 32 राउंड होंगे 15 और 16 में, और डबरा में भी 24-25 राउंड बनेंगे जो हम लोगों ने रफ वर्कआउट किया है। पहले 20 या 22 राउंड होते थे, अभी 30 या 31, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा समय लगने का अनुमान तो है। बाकी जो मशीन बड़े स्टैंडर्ड यूनिट है वो रिजल्ट दिखाने में अपना स्पेसिफिक टाइम लेती है, मशीन ज़्यादा बढ़ेंगी तो टाइम तो बढ़ेगा थोड़ा सा। तो ये थे आशीष तिवारी जी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो 10 तारीख को मतगणना होनी है उसके लिए व्यवस्थाएं अभी से यहाँ जुटा ली गई हैं, और जिस हिसाब से कर्मचारियों को यहाँ डेप्यूट किया जाएगा, कोविड की गाइडलाइन का पूरी तरह से यहाँ पालन किया जाएगा, प्रत्याशी हों चाहे उनके एजेंट हों, सभी को कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही एंट्री मिलेगी और वो आकर यहाँ पर अपना परिणाम देख सकते हैं। कैमरामैन मैंग के साथ प्रमेन सिंह, डीएनएन न्यूज़ ग्वालियर।